आप लोग यहाँ पे हो? सो गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ किरण और आज है सैटरडे और मैं जा रही हूँ मूवी पे, बैंजो मूवी। एंड अभी नहा के आई हूँ और मैं अपने कपड़े ढूंढ रही हूँ जो कि मुझे एज यूजल नहीं मिल रहे। सो ये मेरा डेली का प्रॉब्लम है, मुझे डेली कुछ नहीं मिलता है पहनने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ कि आज पहनूँगी एक जीन्स और टी शर्ट, जिस कैजुअल से भी नॉर्मल। एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मेरी मूवी है 10 बजे की। मैंने खाना आधा बनाया है, दाल बना ली है, चावल बना लिया है, सब्जी आधी बना ली है, मतलब केला की सब्जी बना रही हूँ, केला उबाल लिया है। और मुझे मिक्सर में टमाटर और प्याज और सब मिक्स करके पीसना है, उसके बाद उसमें मैं बनाऊँगी उस केले के सब्जी को और रोटी बनानी है। मेरी मूवी ख़त्म होगी 12:30 तक, उसके बाद आके मैं लंच बनाऊँगी। तो यस, सबसे पहले मैं अपने कपड़े ढूंढ लूँ और मैडम अनिका को तैयार कर दूँ, नहीं तो कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ। तो कीप ऑन वॉचिंग। कौन सी पिक्चर देखने जाना बाबू हमको? बैंजो। चलो उठो उठो, मैं उधर से तुमको उठा के लाई, तुम यहाँ पे सोफा पे सो रही हो। चलो, अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट है। नींद आ रही है, आके सो जाना ना। से हेलो टू एवरीवन, से हेलो। मैं हूँ वो लड़की जो दीवारें गंदी करती हूँ, है ना बेबी? चलो उठो उठो बाबू प्ले। अच्छा तुम सोती रहो, हम लोग देख के आ जाते हैं, फिर ऐसा करते, ठीक है? कितना बज रहे तुम्हारे घड़ी में? तुम्हारी घड़ी में कितना बज रहे? शो मीना, कितना बज रहे तुम्हारी घड़ी में? ओ माय गॉड, ये कौन से ज़माने की घड़ी है? उठो ना बाबलू। सो दिस इज माई मेकअप लुक ऑफ द डे, जस्ट लैक्मे सीसी क्रीम, कॉम्पैक्ट लिपस्टिक एंड डिफाइन आईब्रोज, एंड मैंने मस्कारा नहीं लगाया। एंड येस, आई चेंज माई क्लोथ्स, क्योंकि मेरी जो लेगिंग्स थी स्किनी थी, जीन्स 1 सेकेंड वो सूखी नहीं थी, तो मैंने चेंज कर लिया। एंड नाउ आई एम वेयरिंग दिस डेनिम एंड श्रग एंड वाइट टी शर्ट। एंड नाउ इट्स टाइम टू जाओ निकाल दो। तो अनिका को तैयार करना है और अभी बज रहे हैं 9:40। तो येस, वो मेरे घर से जो पिक्चर हॉल है काफ़ी पास में है। सो जो वैसे जो पिक्चर की लगी, तो पिक्चर की जो कास्ट है वो है रितेश देशमुख और नरगिस फकरी। एंड मुझे दोनों की जो पेयरिंग है वो बिल्कुल पसंद नहीं आई। आई डोंट नो कि मूवी में कैसे किया होएगा। एंड इनका कोई गाना भी बहुत ज़्यादा सुपर हिट या हिट नहीं है। सो लेट्स सी, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा रॉक स्टार जैसी होगी, और मैंने थोड़ा बहुत सुना भी है कि द मूवी इज़ लाइक रॉक स्टार, बट ऐसा कभी रोल देखा नहीं रितेश देशमुख का, तो लेट्स सी कि कैसा होएगा। एंड द मेन थिंग, रितेश देशमुख को हम लोगों ने हमेशा ही मल्टी स्टारर मूवीज़ में देखा है, तो दिस टाइम आई थिंक बहुत दिनों के बाद वो एक अकेली ऐसा कुछ मेन रोल कर रहे हैं, तो लेट्स सी कि मूवी कैसे होगी। सो आई एम टोटली रेडी एंड या। सो बेबी, हम कौन सी पिक्चर देखने जा रहे हैं? जय जय का पिक्चर। पिक्चर का नाम क्या है? जय जय बैंजो। बैंजो। आर यू एक्साइटेड? हाँ। ओके। तो ये तीनों नूडल्स बन गए हैं, ये है ग्रीन चिली, ये है बारबेक्यू पेपर और ये है। सो आपको
हेलो एवरीवन, आज है संडे और हम लोग जा रहे हैं लंच के लिए और ऑलरेडी लंच के लिए काफ़ी लेट हो चुके हैं। तो हम लोग कहाँ जा रहे बेबी? आज हम लोग जा रहे हैं इनऑर्बिट मॉल जो कि वाशी में है। और मैं आई थिंक आपको इनऑर्बिट मॉल लेके गई हूँ कि नहीं, नहीं मैं आपको रघुलीला मॉल लेके गई हूँ। तो आज हम लोग जाएंगे इनऑर्बिट मॉल जो कि वाशी में है और जहाँ पे अभी न्यूली NYX का मेकअप काउंटर भी खुला है जो न्यूली लॉन्च हुआ था थोड़े दिन पहले। एंड आज का ऐसा प्लान है कि थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, थोड़ा खाना पीना खाना है और एंजॉय करना है। और कल हम लोगों ने देखी थी मूवी, कौन सी मूवी देखी थी? बैंजो। हाँ, बैंजो मूवी देखी थी। और जो मूवी थी वो ओके से भी ओके थी, मतलब बहुत अच्छी नहीं थी। और मैं कल के बाद आज व्लॉग कर रही हूँ। एक्चुअली कल मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी तो इसलिए मैं अभी आपको बता रही कि बैंजो मूवी कैसी थी। तो बैंजो मूवी जो थी, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उसको, मतलब देख के उसका ट्रेलर देख के, वैसे कुछ नहीं थी उसका। मतलब एंडिंग भी बहुत अच्छा नहीं लगा और मतलब बहुत, मतलब इम्प्रेसिव मूवी नहीं थी। और ऐसे गाने भी कुछ ऐसे वैसे नहीं है कि आप बहुत दिनों तक याद रखो एंड ऑल। तो मुझे काफ़ी मतलब ऐसी ओके टाइप की लगी। एंड आपको कैसे लगी? ठीक लगी। तो मेरे हस्बैंड को भी ठीक ठीक ही लगी। तो चलिए चलते हैं। और पता है अभी कितना बज रहा है? अभी बज रहा है 2:30। तो सबसे पहले हम लोग कुछ खाएंगे क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है एंड राज को भी बहुत ज़्यादा भूख लगी है। एंड उसके बाद होगी थोड़ी शॉपिंग एंड ऑल। तो यस, कीप ऑन वॉचिंग। हाँ नहीं तो तुमने बोला तो 1/2 करेंगे, वो नहीं हमसे ये दिखाओ। कम होता है क्या? नहीं, पर मेरे लिए कम होता है ना, मैं कैसे इतना शेयरिंग करूँ। ये फ्रेंकी ले लो, फ्रेंकी रख के। मैं सोच रही सबके ले लूँ। हाँ सबके, अच्छा अच्छा ओके। मैं जा रही फ्रेंकी लेके आती हूँ। कपड़ा, सारे कपड़े खरीदे अनिका ने, राइट? और मैंने खाना खाया।
कपड़े खरीदे, शूज खरीदे हैं, तो यस मैंने और मैंने कपड़ा खरीदा, पैंट खरीदा और उसके बाद मैं लॉलीपॉप खाया, सबको मैंने खाना भी खाया और उसके बाद टॉय भी लिया। और कौन से कपड़े खरीदे तुमने? कौन से? सो मैंने अभी तक अपने लिए कुछ नहीं खरीदा है, मेरे हस्बैंड अपने लिए जेंट्स वेयर देख रहे हैं, होप यू कैन सी, ओके वहाँ पे, एंड वाओ यस दिस बैग इज नाइस। से हाय। हेलो। से हाउ आर यू? आई एम फाइन। ये वाला? हेलो, हाउ आर यू? I'm fine. Bye. Bye-bye. Bye. So, मेरे हस्बैंड की शॉपिंग के बाद मैं जाऊंगी अपनी शॉपिंग देखूंगी एंड मुझे कुछ वैसे चाहिए नहीं बट एक बार नज़र डालूंगी कि क्या क्या है। सो कीप ऑन वॉचिंग गाइस। नाइस, वेरी नाइस। कौन है वो? कौन है? दोनों टकले क्यों हुए? पापा मम्मी टकले क्यों हुए? अरे टकले ऐसे ही हो जाता है। हो जाता है क्या? चलो तुमने और क्या खरीदा? पापा के लिए शर्ट खरीदा? नहीं। मैं आ गई हूँ बहुत सारी शॉपिंग करके इनऑर्बिट मॉल से और मैं आ गई थी 7 बजे और अभी बज रहे हैं 8 और मैंने आने के बाद थोड़ा सा फ्रेश हुई और उसके बाद थोड़ा सा नैप लिया। अनिका सो रही है, अनिका कार में ही सो गई थी। तो मैं आपको क्विकली दिखाती थी मैंने क्या क्या ख़रीदा है वहाँ से। तो मैं गई थी मैक्स और मैक्स से मैंने ख़रीदी है ये टी शर्ट्स घर पहनने के लिए। तो ये एक टी शर्ट ख़रीदा है मैंने, उसके बाद ये एक वाइट टी शर्ट ख़रीदा है और मुझे टी शर्ट्स बहुत पसंद है बाय द वे। उसके बाद और एक टी शर्ट ख़रीदा है मैंने एंड अनिका ने ये और एक सॉफ्ट टॉय ख़रीदा है पू और क्ले क्योंकि उसको बहुत पसंद है, आपको पता है कि वो कितनी ज़्यादा आर्टिस्ट बनती है। तो दिस इज़ फॉर हर। सो मैंने और एक प्लाज़ो भी ख़रीदा है, लेट मी शो यू। तो ये है प्लाज़ो और ये काफ़ी फेस्टिव प्लाज़ो है और मुझे ये मिला है 800 में। उसके बाद और एक टी शर्ट, ओके मेरी सैनिटाइजर की बॉटल इसमें आ गई है।
उसके बाद दिस इज फॉर माई हस्बैंड, एंड अनिका का एक क्यूट सा टी शर्ट दिखाती हूँ. सो दिस इज़ द क्यूट टी शर्ट, और यहाँ पे लेस की डिटेलिंग है, और इसके ऊपर दो बियर है, एंड इसकी जो हैंड पे भी ये जो डिटेलिंग है इलास्टिक वाली काफ़ी अच्छी है, और फुल स्लीव्स है, गुड फॉर मॉस्किटो एंड ऑल. तो दिस इज़ द टी शर्ट एंड आई रियली लाइक द डिटेलिंग. इसके पीछे भी एक छोटा सा कट दिया है. उसके बाद एक फ्लोरल पैंट फॉर अनिका, और ये मंकी वॉश है थोड़ा सा. देन वन डेनिम लुकिंग शर्ट फॉर माई हस्बैंड, देन पोलका डॉट पैंट फॉर अनिका, एंड दिस इज लाइक ऑरेंज काइंड ऑफ, एंड आई जस्ट लव द फैब्रिक, इट्स वेरी सॉफ्ट. ओके ओके, देन द कॉम्फी शूज फॉर माई हस्बैंड, नॉट फॉर मी, एंड दिस क्यूट सैंडल्स फॉर अनिका. यू कैन सी हाउ क्यूट आर देयर, इट्स अ लवली बबल गम पिंक, एंड इट हैज सम स्टोन्स ओवर हेयर, सो आई जस्ट लव द सैंडल्स, एंड दिस इज माई फेवरेट. ओ माई गॉड, हाउ क्यूट. सो इसके अंदर गोल्डन कलर भी था, बट उसकी साइज़ का नहीं था, सो आई परचेज दिस सिल्वर वन. सो या दैट्स इट. तो ये था मेरा सैटरडे एंड संडे. कल मैंने बस एक मूवी देखी थी, एंड द होल डे मैंने बहुत सारे वीडियो रिकॉर्ड किए मैगी का, और एलोवेरा जेल घर पे कैसे बनाते हैं. तो कल का जो दिन था काफ़ी प्रोडक्टिव था, काफ़ी चीज़ें मैंने बनाई कल. और आज का जो दिन था काफ़ी फन वाला था. मॉर्निंग में हम लोगों ने उठ के मस्त मालिश बिलिश किया. यू कैन सी माय स्किन इज़ लिटरली ग्लोइंग टुडे, यू कैन सी, एंड फुल पैम्पर डे था. उसके बाद हम लोग बाहर गए, आपने सब देखा. सो दिस इज़ माय सैटरडे एंड संडे. आई रियली होप कि आपको पसंद आया होगा, एंड सॉरी. एंड अगर आपको रियली पसंद आया है तो आपको पता है कि क्या करना है. प्लीज़ हिट लाइक बटन. आई रियली नीड 1000 लाइक्स ऑन दिस वीडियो, आई रियली वॉन्ट. तो गाइज प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ गिव मी 1 लाइक, एंड प्लीज़ 1000 लाइक आई वॉन्ट. प्लीज़, मैं आपसे कुछ नहीं मांगती, बट दिस टाइम आई वॉन्ट 1000 लाइक्स. आई डोंट नो वाई, बट येस आई वॉन्ट इट. And if you're watching me for the first time, then please subscribe me, please. And thank you so much for watching. So till then, bye and take care.